नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स कैंप में। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है जॉब का, वो तीन बहुत बड़ी कंपनी जो कि एमडॉक्स, एसेंचर और गोल्डमैन्स सैक्स की कंपनी के बारे में है। ये तीनों ने बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली हुई है। इनकी कुछ डिटेल्स और क्राइटेरिया अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में, एक एक करके इन सारे जॉब्स के बारे में डिटेल्स देखेंगे। ये जो है जॉब की नोटिफिकेशन, ये 2018 से 2021 के बीच के बच्चों के लिए है। तो जो भी बच्चे इस ईयर में पास आउट होने वाले हैं या हो चुके हैं, उनके लिए ये जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं गोल्डमैन्स कंपनी के जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर आप इस पेज पे आ जाएंगे, जो कि गोल्डमैन्स का पेज है। यहाँ पे आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये पोजीशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, कंट्रोल्स इंजीनियरिंग की। ये जो जॉब का आईडी, जॉब का टाइप है आपका फुल टाइम का जॉब रहेगा ये, इसका लेवल एसोसिएट का है। इसकी जो फंक्शंस है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर के हैं, इंडिया में ही रहेगी। ये इंजीनियरिंग डिवीजन का जॉब है, यहाँ पे ऑपरेशनल इंजीनियरिंग के बारे में आपको काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट टाइप जो है वो एम्प्लॉय का है। इसके बारे में कुछ और जानकारी है इस प्रकार है कि इसमें इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए खास पोजिशनिंग है। इसके अलावा आपको यहाँ पे काम करना रहेगा, जो कि आपके आइडियल कैंडिडेट के बेसिस पे होगा, जो कि कैपिटल बेस्ड रहेगा। आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर से जुड़ी सारी जॉब्स करनी रहेंगी, सारे काम करने रहेंगे। इसमें जो आपका इंजीनियरिंग बेस्ड बैकग्राउंड होना बहुत नेसेसरी है। साथ ही इसमें आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको क्या क्या पोटेंशियल यहाँ पे रिक्वायर है। जैसे उन्होंने यहाँ पे रिक्वायर किया है कि आपको बैचलर्स डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर साइंस वगैरह में। उसके अलावा आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट का कोर्स किया है तो भी बहुत अच्छा है। आपका जो जावा वगैरह की लैंग्वेज अगर आती है आपको, तो वो बहुत नेसेसरी है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड, डिजाइन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपका जो फ्रंट एंड का जो कोडिंग वगैरह है, उसके बारे में आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए और आप उसमें काफी माहिर होने चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ और प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन है, उसमें भी आपको लिखा है कि आपको अगर फाइनेंशियल मार्क्स का आता है नॉलेज तो वो बहुत फायदेमंद होगा। UI UX स्किल्स अगर आपको आती हैं तो भी वो बहुत बेनिफिशियल है। ग्राफिक डेटाबेस आता है। ये कुछ खास जानकारियां थी जो इसमें होनी आपको जरूरी है इस जॉब पोजीशन के लिए। अब इसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक इंजीनियर की रहेगी। इसके बारे में कुछ और जानकारियां भी उन्होंने मेंशन की है कि ये किस तरह का कंपनी है और यहाँ पे आपको कितनी लंबी जॉब पोजीशन मिलेगी, किस तरह। यहाँ पे अभी तक उन्होंने सैलरी डिस्क्लोज नहीं की हुई है और ना ही इसकी कोई लास्ट डेट डाली हुई है। इसलिए आप लोग इसमें बहुत लेट मत कीजिएगा एनरोल करने में, क्योंकि एक मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे अगर उसमें एनरोल कर लेते हैं तो उसके बाद उनका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो वही रुक जाके खत्म हो जाती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, ताकि आप मिस मत करें इस अपॉर्चुनिटी को। आप यहाँ नीचे आके सारी डिटेल्स इससे जुड़ी हुई पढ़ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप सारे डिटेल्स पढ़ लेंगे और अगर आपको ये जॉब आपकी जरूरत के हिसाब से लगती है, तो फिर आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद एक छोटा सा फॉर्म आ जाएगा, जिसको आप फुलफिल कर देंगे तो आपका ये जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगा। इसका जो नोटिफिकेशन है एप्लीकेशन सबमिट होने का और आपके सिलेक्शन और फर्दर प्रोसेस के लेके, वो सब आपके ईमेल पे आएगा। इसलिए अपना ईमेल एड्रेस बिल्कुल साफ और सही भरें। इससे जुड़ी ये जानकारियां थी। अब जो हमारा अगली जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है एमडॉक्स की। एमडॉक्स एक बहुत अच्छी कंपनी है। यहाँ पे सैलरी के अलावा भी कुछ बहुत सारे अच्छे पर्क्स आपको मिलते हैं अगर आप इनके एम्प्लॉय रहते हैं तो। जो आपकी हेल्थ से या फिर जो आपकी बाकी बेनिफिट्स है, रेगुलर लाइफस्टाइल है, या फिर जो आपके हॉलीडे पैकेजेस है उससे जुड़ी, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं जो कि बहुत अच्छी रहती हैं अगर आप एक एमडॉक्स के एम्प्लॉय हो जाते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन निकली है ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर एसोसिएट की है, लेकिन इस पोजीशन में सिर्फ 2021 के बच्चे ही पार्ट ले सकते हैं। जैसे पुरानी वाली जो गोल्डमैन्स सैक्स की पोजीशन थी, उसमें 2018 से 2021 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते थे, पर इस पोजीशन में सिर्फ 2021 के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये ऑफ कैंपस ड्राइव है, ये पुणे और गुड़गांव में होने वाली है। इसमें भी आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रेजुएट होना चाहिए। आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन और मेंटेनेंस की है सॉफ्टवेयर सिस्टम की। आपको 2021 बैच का बीई, बीटेक, एमई, एमटेक, सीएसआईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह की ब्रांच में होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका एमसीए है तो भी चलेगा। यहाँ पे 60% से ऊपर के एकेडमिक्स होने चाहिए यहाँ पे आपको। उसके बाद अगर आपका कोई भी बैकलॉग है पहले का किसी भी ईयर में, जिसको आपने क्लियर कर लिया है, तो यहाँ पे चल जाएगा। परंतु अगर आपका करंट बैकलॉग है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका बैकलॉग ना हो, इस बारे में आप खास ध्यान दीजिएगा। आपको कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। यहाँ पे जॉब प्रोफाइल जो है वो डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मैनेज सर्विसेज की है और जो लोकेशन है वो पुणे और गुड़गांव में रहेगी।
इससे जुड़ी आप कुछ खास जानकारियां भी यहाँ पे आपको नीचे दिख जाएंगी। आप किस तरह के कैंडिडेट यहाँ पे वो ढूंढ रहे हैं और क्या क्या क्वालिटीज इसमें आप उनको चाहिए उन्होंने मेंशन किया है, इसे आप पढ़ सकते हैं आराम से। और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस जॉब के बारे में कुछ और डिटेल्स भी पता चल जाएंगे कि आपको कैसे यहाँ पे वर्क्स और बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जैसे आपको यहाँ पे हेल्थ से जुड़ी या फिर बाहर फेस्टिवल से जुड़ी या फिर आपको हॉलीडे पैकेजेस जो है उन सबकी यहाँ पे काफी अच्छी जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो वर्क एनवायरमेंट है वो सबसे अच्छा है। तो इस तरह की कुछ खास जानकारियां थी। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आना पड़ेगा जैसे आप सारी जानकारियां पढ़ लेंगे तो, और उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपका एक जो फॉर्म आएगा एप्लीकेशन उसको आप फुलफिल कर देंगे तो आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और फर्दर प्रोसेस के लिए आपका सिलेक्शन का भी नोटिफिकेशन आपको ईमेल पे ही आएगा। अब जो हमारी थर्ड अपॉर्चुनिटी है वो है एसेंशियल की। एसेंशियल में जो सबसे पहला जॉब का अपडेट आया हुआ है वो न्यू एसोसिएट कैटलॉग मैनेजमेंट का है। इसमें जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका वो स्किल्स जो उसमें होनी चाहिए वो आपकी कैटलॉग मैनेजमेंट की सेल्स एंड अपलैंड की स्किल्स होनी चाहिए। जो डेसिग्नेशन है वो मैनेजमेंट लेवल का होना चाहिए। न्यू एसोसिएट की पोजीशन है आपकी, लोकेशन जो है वो बैंगलोर में है। क्वालिफिकेशन बीकॉम अगर है तो अच्छा है। जो एक्सपीरियंस है वो फ्रेशर है तो भी आप इसमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपको एसेंशियल के बारे में कुछ जानकारियां दी हुई है जिसे आप पढ़ सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे उन्होंने कुछ क्वालिटीज लिखी हैं जिसकी जो इस पोजीशन में वो ढूंढ रहे हैं, जैसे कि कंटेंट मैनेजमेंट की, माइक्रोसॉफ्ट स्किल्स की, अडैप्टेबल और फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रांग क्लाइंट रिलेशनशिप आपको बिल्ड करनी आनी चाहिए। उसके अलावा आपको टीम में वर्क आना चाहिए, वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए और मीटिंग डेडलाइंस होनी चाहिए। इसके अलावा जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है कि वो किस तरह से आपका करवाना चाहते हैं काम और किस तरह से आपको यहाँ पे काम मिलेगा। इसकी जो क्वालिफिकेशन उन्होंने बीकॉम मेंशन की है। तो इस तरह से ये कुछ खास डिटेल्स थी। अब आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपका जो फॉर्म आएगा उसे फिल करने के बाद आपके ईमेल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप इस जॉब के लिए रजिस्टर्ड हो जाएंगे। जो हमारी अगली जॉब अपॉर्चुनिटी है वो भी एसेंशियल की है। ये जॉब अपॉर्चुनिटी भी न्यू एसोसिएट लैंडिंग ऑपरेशंस की है। इसकी पोजीशन आपको चेन्नई में रहेगी। उसके बाद जो इसमें खास डिस्क्रिप्शन है उसमें मेंशन किया हुआ है यहाँ पे कि जो आपको स्किल्स रिक्वायर्ड चाहिए वो लैंडिंग ऑपरेशन की, अंडरराइटिंग की, डेसिग्नेशन जो है मैनेजमेंट लेवल का होना चाहिए। न्यू एसोसिएट की जॉब है। क्वालिफिकेशन कोई भी ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई इसमें खास बंदिश नहीं की गई है। जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि उनको इसमें क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, जो कि आपकी फ्लेक्सिबल अडैप्टेबिलिटी वाला एनवायरमेंट होना चाहिए, आपको अंडर प्रेशर परफॉर्म करना आना चाहिए, आपकी लर्निंग क्विक होनी चाहिए, आपको टीम में वर्क करना आना चाहिए और आप डेडलाइंस मीट करने चाहिए। इसके अलावा जो उसमें एक खास प्रोफिशिएंसी चाहिए वो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की चाहिए, क्योंकि उनका जो ये पोजीशन है वो इंग्लिश लैंग्वेज बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने मेंशन की हैं जो आपको इस पोजीशन पे रह के काम करनी पड़ेगी, इसमें कोई भी ग्रेजुएशन का बच्चा अप्लाई कर सकता है, पर जो आपका पासिंग ईयर है वो 2021 ही होना चाहिए। इस तरह से इसकी डिटेल्स थी। अब आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करना पड़ेगा और उसी प्रकार आपका जो नोटिफिकेशन है आपके ईमेल पे आ जाएगा, इसमें सबमिशन का भी और फर्दर प्रोसेस का। इस तरह से ये कुछ खास जॉब अपॉर्चुनिटीज थी जो अभी लेटेस्ट में रिलीज हुई हैं। जितना जल्दी हो सके आप इसमें अप्लाई कर दीजिएगा ताकि ये अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस मत हो। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।